जा रहे हैं। मेरे को थोड़ी देर में, मैं तो अपनी बुआ जी को लेने आया था उधर जाने के लिए। चल चल नहीं तो चल बुआ जी। तो हम जा रहे हैं हमारी कुलदेवी के मंदिर, अभी घर जाके फटाफट से रेडी होके और हम जाएंगे। और आपसे लगता है कर दिया करो बेचारी को, कितनी मेहनत करती है, कितनी मेहनत करती है पौधों में। हाँ कर दिया करो, बच्चा बोल रहा है नीचे काटा है देख के यू। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं ये और हमीरपुर। मेरी बुआ को लाइक कर देना। हाँ ये कहीं बैठे हो काचू। एक ये है हमारा भाई, ये मेरा भाई है, ये मुझता रहता है हमेशा तद्दी में। और ये बुली कीली बिल गीली कर देता चड्डी को, पता नहीं क्या करे इसका, चड्डी चेंज करते रहते। बताओ क्या करे इसका, डायपर पहना। तो हम आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं गाइस, और इधर ये गाड़ी में बैठ के बहुत खुश हो रहा है, देख सकते लग रहा है यहाँ का, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हम मस्ती कर रहे हैं दोनों के दोनों पीछे बैठ के। ये और मैं बहुत मस्ती करते हैं और लड़ते भी हैं। तो अभी हम रास्ते के मजे लेते, सफर के मजे लेते हुए जा रहे हैं हमारी कुलदेवी के मंदिर। और ये वाली लोकेशन है बहुत खतरनाक है, यहाँ पे मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि ये एक खाई टाइप का रास्ता है पहाड़ में। तो अब हम पहुँच चुके हैं और इधर है मंदिर, तो मंदिर हम आ चुके हैं, मंदिर चलते हैं, मंदिर चलो, हजारों गाड़ियां के रहे हैं। मैं देखिए बड़ा पेड़ में देख रहा हूं, नील पत्थर को पेड़ है, काचू इधर देख। तो गाइस हम मंदिर आ चुके, जल्दी आ जाए जल्दी। तो अभी हम पूरे मंदिर की सीढ़ी चढ़ चढ़ के यहाँ बीच में रुके हैं और यहाँ की लोकेशन देखी है। यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एक अलग ही सुकून मिल रहा था यहाँ पे। कैसा लग रहा है चढ़ के, तो बैठे रहते पूरे दिन भर, लेकिन अभी हम फिलहाल आए हैं तो अभी हम मजे कर लेते हैं यहाँ के। तो अब हम मंदिर में पहुँच चुके हैं ऊपर। तो ये है माता का मंदिर जो कि बहुत ही अच्छा सजा हुआ है क्योंकि यहाँ पे मेला भरा था कल, वैसे ये ऐसे ही रहता है सजा हुआ। और ये हमारा बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, लेकिन ये अब रोने लग गया है क्योंकि नई नई जगह है ना, तो इसलिए डर गया, इसने कभी देखा नहीं इतनी लाइट्स, तो ये डर गया। फिर हम अंदर गए और हमने धोक वोक खाया, मैं नहीं गई अंदर, लेकिन फिर बाद में मुझे भाई ने बुलाया तो मैं गई क्योंकि मैं नहीं मानती इन सबको भगवान, तो लेकिन भाई ने बुलाया तो फिर मैं मना कैसे कर सकती थी। फिर मैं भी जाके धोख खा के आ गई और इस वाले गेट से निकल के बाहर आ गए हम। फिर बाहर वाले मंदिर में भी धोख खा रहे थे और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ मंदिर की, और काचू हमारा खेल रहा है, पहले रो रहा था और अभी खेलने लग रहा है। उसके बाद हमने घंटी बजाई और डुगू बोला मुझे भी बजानी है, तो मैंने इसे गोदी में लेके और फिर घंटी बजाई। फिर इसने बार बार जिद करी कि मेरे को और बजाना है, तो उसके बाद फिर मैंने इसे नीचे उतार दिया क्योंकि ये मान ही नहीं रहा था कब तक इसको ऐसे लेके बजवाती रहती हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बैठ के, हमारा काचू डांस कर रहा था क्योंकि यहाँ पे भजन हो रहे थे। फिर हम बाहर गए, बाहर का व्यू इतना मस्त है क्या बताऊँ, और यहाँ पे जो हवा चल रही है इतना अच्छा सुकून मिल रहा था, मन कर रहा था कि हम यहीं पे रुक जाएं,
लेकिन रुक तो नहीं सकते, घर तो जाना ही है। फिर हमने फोटोज वीडियोस बनाई, उसके बाद हम घर जाने के लिए अब रेडी हो चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं। तो चढ़ते टाइम तो हमें बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन उतरने में बहुत मज़ा आया। जैसा कि आप देख सकते हो, हमें चढ़ने में और उतरने में हमारी शक्ल अलग ही, एक अलग ही वो आ रहा है। चल अब हम निकल लिए हैं घर की तरफ। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।